देखिए फॉर्मेट तो वही है जो इंटरनेशनल फॉर्मेट है, बट सिंगर्स इंडियन होंगे, ऑडियंस इंडियन होगा, जजेस इंडियन है, गाने इंडियन बजेंगे. सो इट्स बेसिकली ऑल अबाउट इंडिया एंड इंडियन म्यूजिक. एंड दिस इज द मोमेंट ऑफ प्राइड बिकॉज पहली बार इंडिया में हो रहा है एक्स फैक्टर. एंड आई रियली होप दैट इट रियली डिस्कवर्स दैट टैलेंट विद एक्स फैक्टर इन इट दैट वी नीड. पहला सीजन एक्स फैक्टर का और म्यूजिक का है. म्यूजिक मेरे लिए सब कुछ है, मेरा सबसे बड़ा शौक है. वो 24 घंटे म्यूजिक चलता है मेरे पास, चाहे मैं नहाता हूँ, चाहे मैं खाना खाता हूँ, चाहे मैं लिखता हूँ, चाहे मैं पढ़ता हूँ, म्यूजिक चलता रहता है. तो मुझे लगा कि इस शो का हिस्सा होना बिल्कुल डिस्कवरिंग न्यू टैलेंट मुझे लगता है मेरे लिए सबसे बड़ा एक्साइटिंग पार्ट ऑफ फिल्म मेकर इन माय जर्नी होता है कि नए लोग, नए एक्टर्स, नए सिंगर्स, नए लिरिक राइटर्स, नए परफॉर्मर्स हर किस्म से आते रहे तो उससे बहुत एनर्जीज और नई उम्मीदें, नए सपनों से एक तालुकात बनते हैं. तो वो डिस्कवर खुद के अंदर एक नई एनर्जीज को डिस्कवर करना ये सबसे बड़ा फन है. तो इसलिए मैंने कहा कि जिसको मैं डिफाइन नहीं कर पाऊंगा. मैं मुझे नहीं लगता कि मैं एक्स फैक्टर को कोई डेफिनेशन दूंगा, वरना उसको एक्स फैक्टर कहते नहीं हम लोग. मेरे लिए वो एक जादू का एक मोमेंट होता है. एक आदमी में एक वो करिश्मा होता है, एक पावर होता है, एक कमाल की टैलेंट होती है और आँखों में जो चमक होती है ये मैं कहीं ढूंढूंगा कि उसका कॉन्फिडेंस, उसका खुद का टैलेंट, उसका खुद की समझ, उसकी खुद की मेहनत कितनी है वो ढूंढूंगा मैं. रिपोर्टिंग सिस्टम दैट इज देयर एग्जिस्ट क्योंकि क्या होता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम करोड़ों लोगों में से हज़ारों फ्रॉम यू नो मिलियंस ऑफ पीपल वी गो इनटू थाउजेंड्स एंड फ्रॉम हंड्रेड्स वी गिव यू से अराउंड 15 ऑफ द बेस्ट एक्ट्स दैट वी कुड फाइंड फॉर यू. सो फॉर अस ऑल 15 ऑफ देम आर विनर्स. दे ऑल हैव द केपेबिलिटी ऑफ बींग देयर एंड दैट इज़ वाई दे आर द बेस्ट 15 एक्ट्स दैट यू सी ऑन टेलीविजन. सो एवरी वीक यू नो इट्स ऑन द ऑडियंस. इट्स लाइक अ फिल्म यू नो. एवरी फ्राइडे देयर इज अ न्यू फिल्म. सो हियर एवरी टाइम यू हैव न्यू आर्टिस्ट कमिंग अप एंड इट डिपेंड्स. एवरी वीक ही हैज टू गिव अ न्यू गुड परफॉर्मेंस. अगर अच्छी परफॉर्मेंस दी तो रहते हैं, अगर ऑडियंस को अच्छी नहीं लगी तो फिर बाकी सब की तरह ऐसे ही कंटेस्टेंट्स के साथ रहा हूँ. जनरली जो होता है हम गालाज में मैं आता हूँ जो टॉप 15 छठे कटे जो आते हैं देश से. पहली बार हुआ है कि मैं पूरे देश में गए हैं हम लोग. हमने कंटेस्टेंट से फ्रॉम द वेरी आउटसेट मुलाकात की है उनकी परफॉर्मेंस से पहले, उनकी परफॉर्मेंस के बाद. तो बहुत अच्छा लगता है उनसे मिलके, उनके बारे में जान के. और मेरे ख्याल से अगर मेरी रिलेशनशिप अगर उनके साथ अच्छी होगी तो जो टीवी पे है वो उनकी पर्सनालिटी और ज़्यादा अच्छी तरह से बाहर आएगी क्योंकि उनका एक दोस्त या भाई या जो भी बोले उनके साथ स्टेज पे खड़ा रहेगा जो उनका यू नो हौसला बढ़ाएगा. संजय